तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वापस आ रहा हूँ एक नई फिल्म की जानकारी को लेकर। तो आए बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे सन्नी देओल सर के छोटे बेटे राजवीर देओल की आने वाली मच अवेटेड फिल्म दोनों के बारे में। वही इस मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर पलोमा ठकेरिया दिखाई देंगे। ये फिल्म इन दोनों का डेब्यू फिल्म होने वाला है। फिल्म दोनों की लीड एक्ट्रेस पलोमा दिग्गज अदाकारा पूनम दिल्लन की बेटी है। इंटरनेट पर पलोमा की खूबसूरती के चर्चे होते हैं। रियल और रील दोनों में वो स्टनिंग दिखती हैं। वैसे एक्टिंग पलोमा का पहला प्यार नहीं था। एक वक्त था जब वो फुटबॉलर बनना चाहती थी, फिर उनकी दिलचस्पी मॉडलिंग और डांसिंग में बनी। खूबसूरत दिखने वाली पलोमा मिस इंडिया प्रतियोगिता जीत चुकी है। वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन वो अच्छी डांसर जरूर है, इस बात की पक्की गारंटी है। इस मूवी का टीजर भी लॉन्च हो गया है। फिल्म के टीजर में राजवीर देओल और पलोमा ठकेरिया रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म का टीजर देखने के बाद एक बात तो साफ है कि इस फिल्म की कहानी में आपको देव और मेघना की एक लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, जो अपने फ्रेंड्स की शादी के दौरान मिले हैं। 25 जुलाई 2023 को राजवीर देओल की फिल्म दोनों का टीजर रिलीज किया गया है। टीजर की शुरुआत समंदर किनारे बैठे राजवीर और पलोमा ठकेरिया से होती है, जिनकी मुलाकात एक शादी में होती है। राजवीर दूल्हे के दोस्त होते हैं, जबकि पलोमा दुल्हन की फ्रेंड होती है। शादी में हुई उनकी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। वही इस फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन बना रहे हैं और इस मूवी को सूरज बरजातिया के बेटे अविनाश बरजातिया डायरेक्ट कर रहे हैं। ये इनका भी डेब्यू फिल्म होने वाला है। वही इस मूवी का रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही और कोई भी जानकारी इस मूवी से रिलेटेड निकल कर सामने आता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा।